हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फ्रेंड्स मैं आपके साथ बिल्कुल नया टॉपिक पे वीडियो शेयर कर रही हूँ। मेरे यहाँ बुलबुल ने अंडे दिए हैं, उसमें से 3 बच्चे हुए हैं। तो आज मैं बस आपके साथ वही पूरा वीडियो उनका मैंने बनाया है, शुरू से लास्ट तक का वही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप भी फुल इंजॉय कीजिएगा कि किस तरीके से बच्चे छोटे से बड़े होते हैं और बड़े होकर के उड़ जाते हैं। ये देखिए मदर बुलबुल बैठी हुई है। और बुलबुल के बच्चों के साथ साथ आज मैं आपको अपने नन्हे मुन्ने प्लांट से भी मिलवाऊंगी थोड़े बहुत, जो बहुत सुंदर भी लगते हैं और इनके साथ मेरा बहुत सारा वक्त व्यतीत होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ रहना, इनके साथ टाइम अपना बिताना, बहुत खुशी मिलती है। ये मेरा छोटा सा गार्डन है। और इसकी केयर मैं करीब 10 साल से कर रही हूँ। कई सारे प्लांट ऐसे हैं जो यहाँ 10 साल से हैं। और कई सारे प्लांट आते जाते रहते हैं। ये गुलाब का 10 साल पुराना प्लांट है। और एक ये प्लांट मैं लेके आई थी, अभी मैंने इसकी कटिंग कर दी है। ये फ्रेंड 8 साल पुराना प्लांट है मेरा। इसमें बहुत छोटे छोटे से फूल आते हैं और ये पूरा भरा भरा रहता है, हर पत्ती पे फूल आता है इसकी, बहुत सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको मिलवाती हूँ अपने यहाँ आए हुए नए मेहमानों से, जो अभी आए नहीं हैं बस आने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं बुलबुल ने कितना प्यारा सुंदर सा घोंसला बनाया है और उसने 3 अंडे भी रखे हैं जो कि अभी कुछ दिन बाद बच्चे बन जाएंगे। देखिए कितना सुंदर से, कितना जतन करके उसने कितना प्यारा सा घोंसला बनाया है। जबकि ये जो पेड़ लगा हुआ है मोरपंखी का, ये बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन उसने बड़े अच्छे से इसमें अपना घोंसला बनाया है। आप देख सकते हैं, मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं ये दिखा दूं, बड़ा प्यारा सा है। और मैंने इसकी केयर के लिए फ्रेंड्स क्या किया है कि मैंने इसको एक चुन्नी से ढक दिया है, जिससे कि कोई बड़े बच्चे इसको ना देख सकें। और इस समय धूप भी बहुत पड़ रही है, तो धूप से भी इसका बचाव हो सके, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा ढक के रखा है, जिससे वो आराम से अपने घोंसले में बैठ सके और केयर कर सके। तो फ्रेंड्स आज अंडे से पहला बच्चा निकल आया है। आप देख सकते हैं कितना क्यूट सा, नन्ना सा दिख रहा है। अभी बर्ड्स चिड़िया गई हुई है, तो मैं बहुत सावधानी से आपको दिखा रही हूँ। देखिए अब आप देख सकते हैं कि तीनों बेबी आ गए हैं और एक दूसरे से कैसे चिपके हुए लेटे हैं, ये देखिए आप कितने छोटे छोटे और क्यूट क्यूट से दिख रहे हैं। अभी इनकी माँ गई हुई है। चलिए फ्रेंड्स अब मैं आपको इनको 2 दिन बाद मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ। तो देखिए अभी कितने बड़े और हो गए हैं, ये देखिए बैठे हैं। अब इनके हल्के हल्के पंख आने शुरू हो गए हैं, है ना, तीनों के तीनों बैठे हैं, हल्के हल्के इनके पंख आ गए हैं, कितने प्यार से बैठे हैं चिपके हुए,
इनकी माँ भी आ गई हैं, तो अब हम बंद करते हैं। ये देखिए चोंच में दबा करके कुछ लेके आई है, अपने बच्चों को भी खिलाएगी। ये देखिए दोनों बैठे हैं, अब वो चली हुई है घोंसले में। वैसे ही ये सब दोनों पूरा दिन मेहनत करती हैं और अपने बच्चों को सारा दिन दाना ला ला के खिलाती हैं और उनकी केयर करती हैं। ये देखिए बुलबुल आई है और चोंच में कुछ दवा के लेके आई है और बच्चों को खिलाएगी। दूसरी वाली ये बैठी है, ये इनके मम्मी डैडी हैं। ये मैं इस तरीके से थोड़ा सा दाना पानी रख देती हूँ बच्चियों के लिए, जिससे कि वो अच्छे से आ सकें और चुनते रहें और पानी भी साथ में पीते रहें, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो पानी ज़रूर रखना चाहिए। मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि आपके यहाँ यदि खुला है या छत है तो आप उस पर चिड़ियों के लिए दाना और पानी ज़रूर रखें। दाना पानी देना फ्रेंड्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जब आप ये छोटे छोटे कार्य करेंगे और जब चिड़ियाँ आएंगी और खाएंगी पिएंगी तो आपको देख करके बड़ा सुकून मिलेगा, तो आप भी ऐसा ज़रूर किया करें। ये मेरी तोसा महारानी जी हैं, कितनी प्यारी सी हैं। और एक तोसा मेरी ये है, इनकी देखिए आप नीचे से मोटा सा तना गया हुआ है और आप देखेंगे कि ये कितनी बड़ी हैं। देखिए ये चली आ रही हैं और ये देखिए आपकी इतनी लंबी है, ये देखिए। इनकी लंबाई कम से कम 6 से 7 फीट है और ये काफ़ी पुरानी भी हैं। और तुसा जी के साथ ही हमारे ठाकुर जी भी रखे हुए हैं और ये छोटी छोटी तुलसा जी निकली हुई हैं, ये समी हैं। इनके ब्रश घर में ज़रूर लगाने चाहिए, काफ़ी अच्छे भी माने जाते हैं। ये लकी बैम्बू है जो कि आपने देखा होगा ज़्यादातर लोग पानी में लगाते हैं, तो ये वही वाला है, लेकिन मैंने इसको मिट्टी में लगा रखा है और ये करीब 4 साल से लगा हुआ है और ये बहुत अच्छे से चल भी रहा है। अब इसमें नया एक पौधा इसी से निकल रहा है, इसी की जड़ से आप देख सकते हैं छोटा सा। ये फ्रेंड्स मैंने लगा रखी है अजवाइन, जिसकी कि पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं, बस ये वही वाली है। और ये मैं आपको दिखाऊं कि ये मैंने यहाँ पे एक लकी बैम्बू लगा रखा है जो कि ये वाटर वाला है, लेकिन मैंने इसको मिट्टी में लगा रखा है। ये करीब 4 साल से लगा हुआ है, अब इसमें इस साल ये एक छोटा सा पौधा इसकी जड़ से नया बन के निकल रहा है और देखिए ये मिट्टी में भी कितने अच्छे से चल रहा है और छोटी छोटी तुलसियाँ इसमें भी निकली हुई हैं। और ये गुड़हल है जिसको कि मैंने कलम से लगाया था और ये काफ़ी अच्छा हो गया है, देखिए कितना लंबा जा रहा है। ये 9 बजे लगी हुई है। मेरे पौधे आप देख सकते हैं कितने हरे भरे और खूब
ढेरों इसमें फूल निकलते रहते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं पेड़ पौधों में और आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे इतने हरे भरे और इतना फ्लावरिंग करते हैं, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर दीजिएगा, तो मैं आपके लिए इसका भी वीडियो बना दूंगी कि मैं कौन सा फर्टिलाइजर यूज करती हूँ, क्या डालती हूँ इनमें, कैसे इनकी केयर करती हूँ, ये सब मैं आपको वीडियो के द्वारा बता दूंगी। ये देखिए सदाबहार है, कितने प्यारे प्यारे फूल दे रहा है। आज फ्रेंड्स मैं करीब 5 से 6 दिन बाद वीडियो शूट कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये अब इतने बड़े हो गए हैं और अपनी मम्मी के साथ बैठे हैं दोनों। आज इन्हें चिड़िया उड़ाना सिखाएगी और ये शाम तक उड़ जाएंगे। ये दोनों यहाँ बैठे हैं और एक अभी घोंसले में ही है, दिख नहीं रहा है। घोंसले वाला नहीं दिखाई दे रहा है, अंदर की साइड बैठा है। और ये दोनों देखो बैठे हैं। आज चिड़िया इन्हें दिन भर में उड़ाना सिखा लेगी और फिर ये उड़ जाएंगे। कितने नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे से दिख रहे हैं। वैसे चिड़िया हम लोगों के आने से उड़ जाती है, लेकिन बच्चों की वजह से वो बैठी हुई है। अब ये देखो मेरे बेटे के हाथ पे बैठ गया है, वो कितने प्यार से बैठा हुआ है, कितना प्यारा प्यारा लग रहा है, कितना भोला सा लग रहा है।